त्रिपाठी जी ने 51 दिए, क्यों दूं? सच्चाई ये है कि धर्म के नाम पर, बिल्कुल बिल्कुल धर्म के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ सौदा किया जा रहा है। टॉप में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका साथी सौरभ द्विवेदी। चित्रकूट आए हुए कुछ ऐसे पर्यटक साथी जो चित्रकूट आए हैं, उनसे आज बातचीत करेंगे कि उनको चित्रकूट कैसा लग रहा है, पहले के चित्रकूट में और अब के चित्रकूट में क्या कुछ अंतर है। क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोग बचपन में कभी ना कभी चित्रकूट आ ही जाते हैं, ऐसा लगभग लगभग सबके साथ होता है। अब देखते हैं कि आप इस समय आए चित्रकूट में और 5 साल योगी की सरकार बीती, इसके पहले अगर आपको पता हो तो राम मनोहर लोहिया रामायण मेला परिसर भी है, तो समाजवादी पार्टी का भी भारी कनेक्शन रहा है और राजधानी बन गई थी एक समय चित्रकूट यहाँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ अंतर दिखा, अच्छा लगा चित्रकूट घूम करके पूरा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे दिखाई देती है यहाँ, पिछली बार जब मैं आया था आज के 6-7 साल पहले, तब मैं और अब मैं, पहली चीज़ तो अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं, रोड कुछ चौड़े हो गए हैं, चीज़ें डेकोरेटेड हो गई हैं। यूपी पार्ट की बात कर रहा हूँ, जो यूपी वाला हिस्सा है, अब पिछले 5-7 साल में आई एम फीलिंग दैट इट हैज़ बिकम अ लिटिल बेटर, पहले से बेहतर हो गया है। और जो एमपी वाला हिस्सा है उसमें मुझे कोई स्पेसिफिक बदलाव नहीं दिखा। अच्छा, जब आप अररिया से चल करके आए तो जैसे जैसे चित्रकूट में आपने प्रवेश किया तो क्या कुछ आपको, कैसी फीलिंग्स आई यहाँ की? देखिए, जब मानसिकता ये होती है कि मैं हनुमान जी के पास जा रहा हूँ, भगवान राम की नगरी में जा रहा हूँ, तो निसंदेह अंदर से प्रफुल्लित मन तो होता ही है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले से बेहतर हुआ है, रोड पे रस है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक महत्वपूर्ण काम ये और हो सकता है कि इसे कहीं ना कहीं 4 लाइन से अच्छी तरीके से जोड़ दिया जाए, जो कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं है। अगर इस क्षेत्र को थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकर्षित करवा दिया जाए, भले ही आप जैसा बता रहे हैं कि पहले समाजवादी सरकार में ध्यान दिया गया, अब योगी जी ने पूरा ध्यान दे दिया, पूरा चित्रकूट राजधानी बन गया। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कौन सा ध्यान दे रहे हैं सब मिलके। जो चाहिए बेसिक चीज़ें, उनमें पहली चीज़ तो रोड कनेक्टिविटी है ना, बेहतर हुआ है मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो कनेक्टिविटी 4 लेन में कन्वर्ट कब होगी? अगर हो जाए, मुझे लगता है अगर अभी यहाँ 10 लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं तो कम से कम ये संख्या 50 लाख पहुँचेगी। आइए इनके साथी से जानते हैं, गोविंद हमारे साथ हैं। कैसा लगा जब आप चित्रकूट आए मंदिर में जा करके और घूम करके, क्या फीलिंग्स आई आपके? देखिए, मैं प्रथम बार चित्रकूट आया हूँ और मेरा जब यहाँ आने का कार्यक्रम तय हुआ था तब से लेकर मुझे निरंतर उत्सुकता बनी रही और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी भार्या माता सीता के साथ और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ 11 वर्ष जहाँ पर व्यतीत किए वन में, अद्वितीय स्थान था और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे पूरा चित्रकूट अच्छा लगा, लेकिन सबसे मुझे अद्वितीय स्थान लगा जहाँ पर मुझे साक्षात ऐसा महसूस हुआ जहाँ पर मैंने ईश्वर का दर्शन किया हो, ऐसा स्थान था। जो सती अनुसुईया माता का जो मंदिर है, सबसे खास जगह कौन सी? सबसे खास जगह मुझे वहीं लगी, अनुसुईया माता के जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर के ऊपरी हिस्से में जो हनुमान जी का बहुत प्राचीन स्थान है, जहां बताया जाता है एक महान संत थे, उनके साथ हनुमान जी का संवाद होता था, वार्तालाप होता था, वो स्थान मुझे अद्वितीय लगा। साथ में कामतगिरी की परिक्रमा और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण करवाया है, इससे आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड के लोगों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ ही मुझे आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि चित्रकूट में पर्यटकों की संख्या में एक बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, पर्यटन की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से। तो ये जो, अच्छा, भानु प्रताप वर्मा जो सांसद हैं उरई जालौन, वो आप ही के एरिया से आते हैं? नहीं, मैं, मेरा जन्म स्थान औरैया है, लेकिन मैं मूल निवासी, जो मेरा पैतृक जनपद है वो औरैया का है और मैं वर्तमान में औरैया में ही निवास कर रहा हूँ। तो और क्या लगता है आपको कि चित्रकूट में क्या कुछ करें योगी आदित्यनाथ सरकार और समाज, जो मूल बात है, अगर आपको समाज की कोई कमी नज़र आई? क्योंकि देखिए, बगैर समाज की जिम्मेदारी के कारण कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, सिर्फ सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं बनती स्वच्छता को लेकर के, या कोई कमी नज़र आई हो तो बेफिक्री के साथ आप चित्रकूट के वासियों को ज़रूर बुलाएं, जो साथी हैं उनसे भी बुलाऊंगा, चित्रकूट में अगर कोई कमी हो तो वो ज़रूर बताई जाए ताकि यहाँ के लोग सुने और समझें। मैं आपको बताऊँ, सर्वप्रथम आपने कहा कि जनता की जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई कदम नहीं होता जो सफलता का शॉर्टकट हो, किसी भी देश के, प्रदेश के, जनपद के, नगर के स्थानीय निवासियों का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि वो अपने लोकल जो स्थानीय क्षेत्र है उसका कैसे बदलाव करें।
मुझे लगता है कि चित्रकूट में जो राम घाट है वहाँ पर बहुत गंदगी विद्यमान है, लोग आते जाते मसाला थूकते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। ऊपर आपका साफ संकेत है। दूसरा सरकार के ऊपर, सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा बांदा से लेके और जो चित्रकूट के लिए जो कनेक्टिविटी है, इस मार्ग को चौड़ा होना चाहिए। अगर मेरा वीडियो सरकार का कोई प्रतिनिधि देख रहा है, और मुझे लगता है नितिन गडकरी जी ने इस देश की रोड कनेक्टिविटी ने में बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो उनसे मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है एक बार बांदा से और चित्रकूट का बहुत अच्छा हुआ है, आगे भी ऐसा परिवर्तन होगा। चित्रकूट वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई कमी चित्रकूट के अंदर न जाए? चित्रकूट वासियों को और विशेष रूप से जो धर्म के पुरोधा हैं यहाँ, उनसे एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। मैं जितने भी मंदिरों में गया, विशेष रूप से मैं सीता रसोई पे गया, मैंने जैसे ही प्रवेश किया अंदर लगभग 15 से 20 स्थान हमें मिले, और उनमें एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ हमें अपने मन से पूजा अर्चना करने का अवसर प्रदान किया गया हो। मैं घुसा, हाँ नाम क्या है, विनीत त्रिपाठी, त्रिपाठी जी ने 51 दिए, क्यों दूँ? सच्चाई ये है कि धर्म के नाम पर, बिल्कुल धर्म के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ सौदा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे, और इसीलिए दूसरे धर्म बढ़ रहे हैं और हमारे धर्म की ऐसी तैसी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अपनी कमियां बताना बहुत जरूरी होता है। नहीं, और कनेक्टिविटी भगवान की और भक्ति की बनी नहीं पाती आपस में, कहाँ बन पाती है? आदमी घुस पाया, वो पहले जेब देखने लगा, उस पर नहीं है 51, उसने कहा 21 ही रखो 11। ये है कि एक आम जन जब वहाँ पहुँच रहा है, उसके लिए जो ये समस्याएं खड़ी करने, धर्म के लिए आप जबरदस्ती करेंगे किसी से, आप किसी व्यक्ति के साथ ये करेंगे नहीं, इतने रुपए जमा करो, क्यों करूं भाई, व्हाई इज इट सो? ये समाज के बाद प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रशासन थोड़ा सोचे इसमें, समाज प्रशासन और वहाँ पांडित्य कर्म कर रहे वो लोग उनकी सब जिम्मेदार हैं, इन सबको मिलके इस पर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। इच्छा रहे तो कोई भी देगा, और सीधी सी बात है कि अगर अब वहाँ पे सिद्धि है और ऐसी चीजें हैं तो अपने आस्था के प्रति। आप मेरी बात सुने, मैंने वहाँ 5-7 लोगों को वहाँ झगड़ते देखा, जो कह रहे थे मैं पैसे क्यों दूं, और वो जबरदस्ती वसूली टाइप की कर रहे थे। दिस वाज रॉन्ग एंड द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप ऑन दैट वन। ये क्या कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या उभर करके हमारे सामने आई है, राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट उत्तर प्रदेश के सामने आए हम आप हम, और यहीं पर ये लोग रुके थे और पूरा चित्रकूट का भ्रमण किया है। तो जो चित्रकूट की अच्छाइयां हैं और जो चित्रकूट की सबसे बड़ी कमी है, वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब इसमें जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन और समाज की, एक संयुक्त जिम्मेदारी है कि सुधार के लिए कुछ किया जाना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए मेरे साथ फुल स्टॉप पर।